नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक गुड क्वालिटी फिश स्टॉक हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। हम लोग होटल्स में चिकन स्टॉक और वेजिटेबल स्टॉक सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और हमें उसकी आदत पड़ जाती है क्योंकि हम एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। पर जब फिश स्टॉक्स की बारी आती है या किसी भी प्रकार के सी फूड स्टॉक की बारी आती है तो हम लोग कई सारी गलतियां करते हैं जिसके के कारण हमारा जो फिश स्टॉक है वो क्लाउडी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टेस्ट नहीं आता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर स्टॉक भी हमारे चिकन या मटन के स्टॉक जैसा या वेजिटेबल स्टॉक जैसा दिखने लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे 5 पॉइंट्स यहाँ पे लगभग 6 पॉइंट्स से मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एक गुड क्वालिटी के फिश स्टॉक को बनाने में लगते हैं। दूसरा, अगर आप कॉन्टिनेंटल किचन में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरी बुक्स हैं कॉन्टिनेंटल किचन के ऊपर, बेसिक्स हैं, शिप की बुकलेट्स हैं, इंटरव्यू की बुकलेट्स हैं, आप वो लोग आप ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा जहाँ पर आप वो सारी बुक्स ले सकते हैं। दूसरा, मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है स्पेशली शेफ लोगों के लिए, एक प्लेटफॉर्म आने वाला है डिजिटल शेफ हब के नाम से, जिसको कि आप कुछ समय के बाद उस पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे और अलग अलग प्रकार की चीजें देख सकते हैं क्योंकि आप भी इस डिजिटल शेफ कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब फिश स्टॉक बनाना है तो आपको एक गुड क्वालिटी की बोन्स ही लेनी है। आपको आपकी जो बोन्स होनी चाहिए वो सिर्फ आपको लेनी है अच्छी क्वालिटी की, ये ना हो कि आप कोई सड़ी बदबूदार हड्डियां ले रहे हैं। स्पेशली अगर आप जो फिश के जो हेड हैं वो यूज़ करोगे आपके तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग अधिकतर करते क्या हैं, हम लोग हड्डियां तो यूज़ करते ही हैं, साथ में मच्छी की स्किन्स भी डाल देते हैं, मच्छी की पूंछ की जो बची कुची चीज़ें होती हैं वो सब कुछ डाल देते हैं जो एक्चुअली में हड्डियां नहीं होती हैं, और हमारा जो फिश स्टॉक है वो किसी और कलर का हो जाता है और बड़ी बदबूदार स्टॉक बनता है। हमें लगता है कि मच्छी का स्टॉक हमेशा बदबूदार होता है पर ऐसा नहीं है। मच्छी का स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू हो सकती है, बदबू हम नहीं कहेंगे, फ्लेवर उसमें कहेंगे, बशर्ते आप अच्छी क्वालिटी की हड्डियाँ यूज़ करें, पुरानी सड़ी हड्डियाँ आपको यूज़ नहीं करनी है। तो ये सबसे पहली शर्त है। दूसरा, यहाँ पे है, आपने देखा होगा आपके जो स्टॉक है क्लाउडी हो जाते हैं। क्लाउडी का मतलब है कि क्लीन वाइट कलर के नहीं आते हैं, कुछ ब्राउनिश थोड़े टमाटो के जैसे कलर के या फिर मटमैले कलर के हो जाते हैं, जो कि होते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ हड्डियाँ तो इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ हम लोग मीट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग अपनी हड्डियों के साथ मीट का भी इस्तेमाल करते हैं, फ़िश के मीट का या फिश के किसी दूसरे पार्ट का, तो हमारी जो स्टॉक है क्लाउडी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक वलूते सॉस बनाना है तो आप सिर्फ हड्डियाँ यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका स्टॉक क्लाउडी हो जाएगा और सब स्टॉक क्लाउडी हो जाएगा, आप उसका सॉस या कुछ वलूते बनाएंगे तो उसका रंग भी अच्छा नहीं आएगा, ख़राब आएगा। पर अगर आप किसी दूसरे तरीके से यूज़ करना चाहें तो आप लोग जो स्किन्स और बाकी की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या बनाना है। तीसरा यहाँ पे है कि जब आप फिश स्टॉक बनाएं तो आपको हड्डियों को सीधा बॉईल नहीं कर लेना है, आपको हड्डियों को धोने के बाद उसे बटर में थोड़ा सौते करना है। जी हाँ, सिर्फ फिश एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हड्डियों को हम लोग बटर में पहले सौते करते हैं, बाद में जाके उसमें हम लोग मीरपुआ डालते हैं, मीरपुआ के साथ सौते करते हैं, फिर बाद में जाके अपना जो वाटर यूज़ करते हैं। बाकी आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, हम लोग सीधा हड्डियों को यूज़ करते हैं, पहले ब्लांच करते हैं, पर यहाँ पर हम लोग पहले फ़िश की सिर्फ हड्डियों को, हड्डियाँ ही हम पूरी बात करें यहाँ पर, फ़िश की सिर्फ हड्डियों को पहले बटर और मीरपुआ के साथ सौते करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कि आपको जो फ़िश यूज़ कर रही है यहाँ पे वो आपकी ऑयली फ़िश नहीं होनी चाहिए। ऑयली फ़िश अगर आप यूज़ करेंगे तो जो आपका फ़िश स्टॉक है वो ऑयली हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा। ऑयली फ़िश से मतलब है जैसे सालमन और मैकरेल हमारी ऑयली फ़िश होती हैं, अगर आप ये इस प्रकार की या ये दो फ़िश यूज़ करेंगे तो आपका स्टॉक अच्छा नहीं आएगा, फ्लेवर ज़्यादा अच्छी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की ऑयली फ़िश होती हैं। बाकी दूसरी प्रकार की आप किसी भी प्रकार की आप लोग यहाँ पर फ़िश यूज़ कर सकते हैं, आप किंग फ़िश की हड्डियाँ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक उससे बनता है। उसके बाद जब आप अपने फिश स्टॉक को बना रहे हैं तो आपको कोल्ड वाटर लेना है, आपको हॉट वाटर नहीं लेना है। आपने जब अपनी फ़िश को सौते कर लिया बटर के साथ और मीरपुआ के साथ तो आपको वहाँ पे ठंडा पानी डालना है, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, ठंडे पानी से नहीं किया, बर्फ़ का पानी डाल रहे हैं, नॉर्मल पानी डालिए और उसको कुक कीजिए, डायरेक्ट आपको हॉट वाटर यहाँ पे नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट जो टिप बोल सकते हैं एक अच्छा फिश स्टॉक बनाने के लिए, वो है आपके अपने स्टॉक को ओवर कुक नहीं कर लेना है, ओवर बॉयल नहीं कर लेना है, ज़्यादा समय तक नहीं पकाना है, मैक्सिमम 20 मिनट काफ़ी होते हैं आपके एक फिश स्टॉक को बनने के लिए। 20 मिनट में जितने भी फ्लेवर रिलीज़ होने होते हैं फ़िश की हड्डियों से या अगर आपने किसी प्रकार की और वेजिटेबल यूज़ करी हैं तो वो हो जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुकिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लगभग 6 टिप्स बता दिए जो कि एक अच्छे फिश स्टॉक के लिए ज़रूरी होते हैं।
आप भी इन टिप्स का यूज़ कीजिएगा, अच्छा एक अच्छा सा फिश स्टॉक बनाइएगा और फिर उससे कोई एक प्रोडक्ट सूप या सॉस बनाइएगा। साथ साथ अगर आपने कभी पहले बनाया है, कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी हुई है फिश स्टॉक बनाने की, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि आपके लिए मुझे लगता है कि आपको उसमें सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।